चंचल, तुम्हें ये सब कब और कैसे किया? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब कैसा लगा? आई कांट बिलीव, मुझे सपने जैसा लग रहा है। मैंने तुम्हारे रिसोर्ट जाने का सपना खराब किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने सपने मिले हैं। तुमने ये सब मेरे लिए किया? I'm sorry, माना, मैंने तुम्हें सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। तुम फैमिली के बारे में सोच रही थी और मैं सिर्फ हमारे बारे में सोच रहा था। तुमने सब संभाल लिया छंछन, फैमिली का ही नहीं बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया। अब तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? गुस्सा नहीं, प्यार आ रहा है। अरे तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो चेंज करके आओ। ये क्या बात हुई, मुझे ठंड लग जाएगी और तुम्हें नहीं? तुम भी जाओ और चेंज करो और जल्दी से वापस आ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? मानव, सरप्राइज है। गो, जल्दी से जाओ, चेंज करके आओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भाभी, सुबह सुबह क्या तल रहा है? गाठिया, पूरिया। अरे पर मैं तुम्हारे कमरे में आई थी सुबह में चाय लेके, कहाँ गई थी तुम? वो भाभी, मैं नहाने गई थी। और मानव भाई भी? मानव भाई भी कमरे में नहीं थे ने? वो इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? भाभी, मैं सोच रही थी कि आज मैं स्प्राउट्स और पोहा बनाऊं, लाइट एंड हेल्दी नाश्ता। अभी क्या है ये सब? खुद ही पूछ लो। क्या बात है, होममेड हनीमून रिजॉर्ट, वो भी घर की छत पर। लगता है भाभी घर का सूरज आजकल पश्चिम से उगने लगा है। वाह मानव प्रभु वाह, थोड़ी कृपा हम पर भी किया कीजिए। एक मिनट भाभी। क्या कर रही हो छंछन, सोने दो ना। आप क्या ये सब?
किसकी परमिशन से लगाया ये तंबू? वो भैया हम रिजॉर्ट ही जा पाए तो छन ने ये सब कुछ सेटअप कर दिया। क्या ये सब छन ने किया? हाँ भैया। वाह, आज तक तो लड़कियों को फूल पत्तियों से हार बनाते देखा था, अब फूल पत्तियों और पौधों से जंगल बनाते पहली बार देखा है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। पर छन, ये तो बताओ मानव भाई इतने सुबह सुबह गए कहाँ थे? मैंने सब कुछ देखा है, इसलिए तुम दोनों को जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। छन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी क्या देखा आपने? मानव भाई को। जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी ना, तब वो वहां सोए हुए थे। छत पे सो रहे थे मानव भाई? मैं बताती हूँ, दरअसल कल रात को छनछन और मानव भाई दोनों छत पर सो गए थे, और वो भी तंबू में। छत पर तंबू में? और वहां फूल और पत्ते भी थे। फूल और पत्ते भी? और गमले भी। गमले? अरे इन्हीं सब चीजों से तो दोनों ने छत पर एक जंगल सा बना रखा था। जंगल? इसका मतलब जंगल में मंगल। भाभी पोहा तैयार हो गया। एक बात तो बताओ, तुम दोनों ने ये सब किया कब? हमें तो पता भी नहीं चला। एक्चुअली भाभी ये सब मैंने किया, कल मैंने रिसोर्ट का प्लान कैंसिल किया था ना, इसलिए मानव थोड़ा अपसेट हो गया। उसे मनाने के लिए मैंने ये सब। मैं आ गया। अरे रंजना ये पोहा जरा देख लेना, मैं दो मिनट में आई। हाँ जहाँ प्यार है वही फूलों की बहार है। कितना रोमांटिक ने, कितना रोमांटिक। हाथ जला तूने? हाथ नहीं संजना, मैं चल रही हूँ। मानव जल्दी से रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। नहा रहा है? चलो अच्छी बात है, ये लेट हो जाता तो मुझे डांट पड़ती। मानव कितनी देर और? टॉवल मिलेगा प्लीज। जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार। नाश्ते से पहले कुछ और हो जाए। छोड़ो, मैं जानती थी तुम शरारत करोगे। अगर अच्छे बच्चे की तरह टॉवल चाहिए तो बताओ, वरना रहने दो। ओके पापा, दो। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ना नो मस्ती। मानव थोड़ी सी सरासी भी नहीं। छोड़ो मानव, लेट हो जाएंगे हम ब्रेकफास्ट के लिए। मानव छोड़ो।
श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मम्मी। जय श्री कृष्ण बेटा। वो आप कुछ कहने आए थे? वो मैं ये पूछने आई थी कि तुम दोनों ने रात को भी खाना नहीं खाया, तो अभी नाश्ता करोगे या बाकी सब कर ले? मैं नाश्ता लगाती हूँ। मैं प्यार करता हूँ। ये क्या, मुझे तो लगा था कि दोनों में झगड़े शुरू हो गए होंगे, पर ये तो पहले से भी ज्यादा। ये है क्या बेटा? स्प्राउट्स पोहा, लाइट एंड हेल्दी। मतलब जो अब तक हम लोग नाश्ता करते आ रहे हैं वो हेल्दी नहीं है? घर का बना हुआ ट्रेडिशनल नाश्ता जो लोग पीढ़ियों से खाते आए हैं, उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है मुकुट भाई, बस जमाना बदल चुका है। पहले लोग ये ट्रेडिशनल नाश्ता करके मीलों तक पैदल चला करते थे, खेतों में काम करते थे, जिससे इस खाने का उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता था। और अब लोग यही नाश्ता करके घंटों तक ऑफिस में बैठे रहते, एक्सरसाइज तो दूर कोई पैदल तक नहीं चलता। इसलिए सबके हेल्थ के बारे में सोचकर मैंने ये लाइट और हेल्दी नाश्ता बनाया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन इतने सालों के बाद तो मुंह का स्वाद बदलना इतना आसान नहीं है। उमा, मैं तो वही खाऊंगा जो पहले खाता था। नहीं नहीं, मैं भी यही लूंगा। मानिक भाई, छनछन, मैं भी यही खा लूंगा। मैं भी पूरी खाऊंगा। नहीं, मैं तो एक्सरसाइज करता हूं ना। मतलब ये नाश्ता कोई भी नहीं खाएगा? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता छनछन वेस्ट नहीं होगा, ये हम जीगू को खिलाएंगे। जीगू को पूरा दिन घर में काम करते हुए एक्टिव रहना पड़ता है ना, इसलिए। हाँ जाओ कौमुदी, ये नाश्ता जीगू को दे दो। जी बा। भाभी मुझे दीजिए, मैं खाऊं। अब समझ में आया कि ये स्पेशल डिश स्पेशली किसके लिए बनी है। नहीं भाई, अब मानव की पसंद को छनछन से बेहतर कौन जान सकता है। संजना, मैं जा रहा हूँ। बा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनो, वो आज नाश्ते की टेबल पे मानव के साथ क्या घुसपुस कर रहा था? नहीं नहीं, मतलब कल रात को मानव बहुत गुस्से में था ना,
परंतु आज सुबह तुम्हारे साथ हंसता हुआ देखा तो अच्छा वो बा ऐसे ही मंथन वो क्या हुआ कि मैं आज सुबह टेरेस पर गया फिर कौमुदी भाभी को वहां पर देखा वो भैया हम रिजॉर्ट ही जा पाए तो छनछन ने ये सब कुछ सेटअप कर दिया नहीं बात कुछ भी कहिए लेकिन छनछन लड़की है बड़ी कमाल की जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अच्छा तो इस वजह से फूट रहा था हंसी का झरना For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.